धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विख्यात ब्रह्मस्वरूप के तट पर स्थित श्री जयराम आश्रम में विगत 3 दशकों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री जयराम विद्यापीठ के प्रवक्ता सतबीर कौशिक ने बताया कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जयराम विद्यापीठ में 151 विद्यार्थियों एवं ब्रह्मचारियों द्वारा गीता जयंती के अवसर पर नियमित गीता पाठ व गीता महायज्ञ किया जा रहा है। सतबीर कौशिक ने बताया कि वर्ष 1991 में जयराम विद्यापीठ द्वारा ही गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 30 सालों से विद्यापीठ द्वारा देश के विख्यात कथावाचकों को बुलाकर गीता जयंती के अवसर पर भागवत पुराण का लोगों को रसास्वादन करवाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए गत वर्ष और इस वर्ष कोरोना से बचाव के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार लोगों की जीवन की रक्षा के लिए कार्यक्रमों को संक्षिप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यापीठ द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें भीड़ अधिक एकत्रित ना हो, कोरोना नियमों की किसी प्रकार से अवहेलना ना हो, इसीलिए जयराम विद्यापीठ में 151 विद्यार्थियों एवं ब्रह्मचारियों द्वारा गीता जयंती के अवसर पर नियमित गीता पाठ व गीता महायज्ञ किया जा रहा है। 8 से 14 दिसंबर तक प्रतिदिन देश के विख्यात कथावाचक एवं विद्वान ऑनलाइन प्रवचन देंगे और गीता पर चर्चा होगी। 30 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाता आ रहा है। मैं बात करूं पिछले 30 वर्ष पहले 91 में जयराम विद्यापीठ के द्वारा ही गीता जयंती की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों को यहां बुला करके कुरुक्षेत्र की जनता और देश की जनता को भागवत का रसास्वादन करवाया जाता रहा है। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए सरकार की हिदायतों के अनुसार गीता जयंती उस प्रकार से नहीं मन पाई थी। इस वर्ष भी गीता जयंती सरकार मना रही है, परंतु जयराम विद्यापीठ में कोविड-19 को देखते हुए लोगों की जान पहले प्यारी है। इस उसमें हमारे महाराज श्री के द्वारा सभी जो गीता जयंती के मेंबर हैं उनके साथ मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया कि गीता जयंती मनाएं, लेकिन ज़्यादा भीड़ ना हो, कोई कोविड-19 के नियमों की अवहेलना न हो, इसलिए जयराम विद्यापीठ में नित्य प्रति हवन और गीता पाठ हमारे 151 विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। आज भी सुबह हवन किया गया और सायंकालीन जो है गीता का पाठ होगा, और 8 तारीख से 14 तारीख तक भारत के प्रसिद्ध कथावाचक प्रतिदिन 3 से 5 बजे के बीच में जुड़ेंगे और मंदिर में प्रवचन होगा, संकीर्तन होगा और साधु संतों के प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।